न चाहकर भी बिहार के लोगों के सामने एक बार फिर से वही तस्वीर है, वो तस्वीर जिसे देखना कोई भी पसंद नहीं करता। ये तस्वीर हर साल बाढ़ में देखने को मिलती है। बिहार में यूं तो तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन जब बारिश का मौसम आता है तो सभी की पोल खुलने लगती है, और ऐसा ही कुछ नजारा बिहार में अब दिखने लगा है। हजारों लोग घर से बेघर होने लगे हैं, गांव के गांव नदियों में समाने लगे हैं। दरअसल पूर्णिया जिले की अगर हम बात कर लेते हैं तो एक बार फिर से बाढ़ ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। 5 नदियों से घिरे पूर्णिया के 22 अनुमंडल में महानंदा, कनकई और परमान नदी उफान पर है। इन नदियों में आए उफान के कारण कई गांव में बाढ़ ने दस्तक दे दी है। बाढ़ के कारण हजारों लोग परेशान हैं। कहीं सड़कों पर पानी है तो कहीं लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। प्रशासन जल्द राहत और बचाव कार्य करने का आश्वासन दे रहा है, मगर अब तक कोई भी संतोषजनक कार्य लोगों के अनुसार नहीं हुआ है। 22 अनुमंडल के करीब 25 गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। महानंदा, कनकई और परमान नदी में आए उफान के कारण निचले इलाके की कई सड़कों और लोगों के घरों में पानी जा समाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें खाना पीना तक नहीं नसीब हो रहा है, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। 22 अनुमंडल के सुगवा, महानंदपुर और पुराना गंज में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। डंगराहा से सुगवा महानंदपुर जाने वाली सड़क पर पुराना गंज और सुगवा महानंदपुर में 3 जगहों पर पानी भरा है। सुगवा महानंदपुर के मुखिया इंजीनियर राशिद ने कहा है कि करीब 3000 घरों में पानी घुस गया है, लोग बेहाल हैं। प्रशासन द्वारा अब तक कम्युनिटी किचन नहीं चलाया गया है। कुछ जगह सड़कें कट गई हैं, जिस कारण आवागमन भी प्रभावित हुआ है। लोग इस पार से उस पार नहीं जा रहे हैं, इस गांव से उस गांव का संपर्क टूट चुका है। इस इलाके में नाव भी नहीं है, कहीं भी आने जाने में लोगों को परेशानियां हो रही हैं। बायसी के SDM कुमारी तोसी ने कहा है कि बायसी अनुमंडल में कई पंचायतों में पानी घुसा है। यहां महानंदा, कनकई, परमान, बकरा नदी में बाढ़ आया हुआ है, जिस कारण कई पंचायतों में पानी फैल गया है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी प्रखंडों में कम्युनिटी किचन खोला जा रहा है, लोगों को ऊंचे स्थलों पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। लोग हर साल की तरह इस साल भी बेचैन नजर आ रहे हैं, दहशत में नजर आ रहे हैं और डरे हुए नजर आ रहे हैं, और इस बात को लेकर परेशान हैं कि आखिर हर साल की इस त्रासदी से आखिर कैसे निजात पाएं, क्योंकि बिहार में हर साल ही बारिश के मौसम में ऐसा नजारा देखने को मिलता है जो लोग कभी भी देखना पसंद नहीं करते। हजारों लोग घर से बेघर हो जाते हैं, गांव के गांव नदियों में समाने लगते हैं, और वही नजारा एक बार फिर से पूर्णिया जिले में दिखने लगा है। न सिर्फ पूर्णिया में बल्कि बिहार के कई अन्य जिले ऐसे हैं जहां पर भी नदियों के उफान के कारण लोगों का अभी से पलायन शुरू हो चुका है। लोग ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं, फिर से वही टेंट, वही तंबू, वही सड़कें और वैसे ही नजारे को लेकर लोगों में अभी से डर फैल गया है। फिलहाल देखना यह है कि प्रशासन अपने दावों पर कितना खरा उतरता है, क्योंकि लोगों की माने तो अभी तक उन्हें कम्युनिटी किचन का लाभ भी नहीं मिल रहा है। प्रशासन के दावे के मुताबिक हर साल बाढ़ से पहले कह दिया जाता है कि वो इस बार डूबने नहीं देंगे, लेकिन डूबना तो हर साल पड़ता है। ये लोगों की बेबसी कहिए या फिर मजबूरी। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।